हजारीबाग में धर्मांतरण को लेकर मामले अधिकांश ग्रामीण क्षेत्र से आते थे, लेकिन अब शहर के आसपास के भोले भाले लोगों को भी आर्थिक प्रलोभन देकर धर्मांतरण की चपेट में ले रहे हैं। कुछ ऐसा ही मामला आज हजारीबाग जिले के कुर्रा थाना अंतर्गत महेंद्र कॉलोनी के नवडीहा गांव से आया है। बता दें कि रांची और हजारीबाग से आए 4 से 5 की संख्या में धर्मांतरण एजेंट ने आज रविवार के दिन हिंदू समुदाय के एक शख्स के घर पर बंद कमरे में 50 से भी अधिक संख्या में शामिल लोगों को धर्मांतरण का पाठ पढ़ाया जा रहा था, जिसको लेकर स्थानीय लोगों को इसकी भनक मिली और ग्रामीण विरोध पर उतर गए। बता दें कि धर्मांतरण करने के लिए पहुंचे एजेंट के पास से कई बाइबल बुक, ईसाई धर्म के संबंधित धर्म ग्रंथ, कागजात, बंद लिफाफे में नगद रुपए व अन्य वाद तंत्र भी इनके पास से जब्त किए गए हैं। उन लोगों से पूछताछ के क्रम में उन्होंने धर्मांतरण कराने की बात को स्वीकार किया। साथ ही साथ बंद कमरे में प्रार्थना में शामिल कई लोगों ने भी धर्मांतरण की बात को स्वीकार किया है। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना स्थानीय थाना को दी। मौके पर कोर्रा थाना पुलिस पहुंचकर धर्मांतरण करवाने के लिए पहुंचे एजेंट सहित उनके पास से सभी सामग्रियों को जब्त कर थाने ले आई और विधिवत कार्रवाई में जुट गई है। इधर धर्मांतरण जैसे मामले को लेकर लोगों में आक्रोश की भावना देखी जा रही है। हजारीबाग ब्यूरो आरिफ खान की रिपोर्ट। हजारीबाग से आए थे, यहाँ पर प्रार्थना करने के लिए आए थे। यीशु का सत्संग चल रहा था। हजारीबाग से ही कुछ नहीं है, बस जाते हैं, दुआ करते लोगों का, जाके लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, बस वही जो कोई बुलाया तो जाते थे। ये धर्म तो धर्मांतरण के बाद नहीं, धर्मांतरण किसी को बोले नहीं है, बात मेरे सुनिए तो भैया, ऐसा कुछ नहीं। तो बस हम लोग बस दुआ करने के लिए आते थे। पैसा मेरा खुद का पैसा है, ये मेरा खुद का पैसा, एक भाई का पैसा है, तो पैसा को मैं घर पे रखा नहीं। हाँ, बाइबल है मेरे पास, बाइबल है, चंदन शर्मा, हम हिंदू धर्म से बात, मतलब मेरा जो पहले जो ये है वो हिंदू धर्म से रिलेटेड करते हैं। अब मैं इसमें यीशु मसीह में कन्वर्ट हूं। हाँ, ये हम लोग रांची के द्वारा गया, इसमें पैसा नहीं देता है। मेन टारगेट ये कुछ मेन राइडर नहीं, बस ऐसा कोई लोग है तो उसके बीमार है तो उसके लिए दुआ करते जाता है ताकि उसका ठीक हो। बस मेरा नाम रंजीत कुमार सोनी है, हम मंडई खुर्द से हैं। मुझे बुलाया गया था कुछ महिलाओं के द्वारा, जिसमें उर्मिला देवी मौखिक रूप से थी। वो बोली थी कि तुम्हारे जो बीमारी है तुम्हारे साथ, जिस चीज़ से तुम पीड़ित हो वो तुमको सब ठीक कर दिया जाएगा, चलो एक जगह बताती हूँ, वहाँ पे तुमको जाना है। जब वहाँ पे हम गए और बात किए तो कुछ देर तक मुझे झाड़ फूँक का झांसा दिया गया, बैठाया गया, और उसके बाद अचानक बोला गया कि देखो हम लोग ईसाई धर्म से हैं, तुमको धर्म परिवर्तन के लिए बुलाए हैं, इसमें तुमको 15,000 रुपये मंथली देंगे और प्रति 2 व्यक्ति को हर महीना तुमको कन्वर्ट करना है इसमें ईसाई धर्म में, उसका 10,000 रुपये अलग से दिया जाएगा। और इसका जब विरोध करने पे हम उतरे तो इन लोग ज़बरदस्ती पकड़ के मुझे मारने का धमकी दिया है कि तुमको मार देंगे, ऐसे कर देंगे वैसे। तो किसी तरह हम छूट के निकले, क्योंकि वो एरिया लगभग जाना हुआ था, तो वहाँ से भागे, गांव वालों को चिल्लाएं, वहाँ पे आवाज़ दिए तो बहुत को आए, फिर दोस्त लोग को, कुछ ग्रुप लोग को फ़ोन किए तो उन लोग आए, तब किसी तरह मुझे जाके बचाएं। और इसका वहाँ पे देखा गया कि सब मुझे झाड़ फूँक कर रहा था, पकड़ के रखा हुआ था कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन वैसा कुछ नहीं था, सिर्फ धर्म परिवर्तन किया जा रहा था और मुझे प्रेशर दिया जा रहा है। हर बार ये चीज़ का प्रेशर दिया जा रहा है, तेरा तबीयत खराब है वो ठीक हो जाएगा, सर में दर्द रहता है वो ठीक हो जाएगा, तुम यहाँ पे इस धर्म को अपना लो। धर्मांतरण का गंदा खेल महेंद्र कॉलोनी स्थित एक व्यक्ति के घर में चल रहा था, उसका नाम उर्मिला देवी है। उसी के द्वारा यहाँ के भोले भाले ग्रामीणों को बरगला करके, लोभ लालच, पैसे का लालच दे करके और ग्रामीणों को धर्मांतरण कराने का गंदा खेल किया जा रहा था। तब ग्रामीणों के द्वारा वहाँ पे उसका विरोध किया गया और कोर्रा थाना पुलिस को बुलाया गया और 8 आरोपी को कोर्रा थाना पुलिस अभी लेकर के आई है। जिस ग्रामीण को धर्मांतरण करवाने का प्रयास किया जा रहा था, उन्होंने अपना बयान भी दिया है कि उन्हें 15,000 रुपया प्रत्येक महीना वो देंगे और प्रत्येक महीना में 2 परिवार को धर्मांतरण करना है, उसके लिए अलग से इंसेंटिव के रूप में कमीशन के रूप में 10,000 रुपया उसे दिया जाएगा, तथा इसके साथ ही साथ उसके परिवार वालों को इलाज मुफ्त करवाया जाएगा,
और साथ ही साथ स्कूल में शिक्षा भी मुफ्त में दिया जाएगा, ऐसा लोभ लालच दे करके धर्मांतरण कराने का कार्य किया जा रहा है। ये ईसाई धर्म के लोग हैं, इनके पास बाइबल और ईसाई मिशनरी का बहुत सारा सामान इन लोगों के पास जो उपलब्ध था वो जब्त हुआ है, साथ ही साथ बहुत सारे रुपये भी जब्त पुलिस के द्वारा किया गया है, जो लिफाफे में और कुछ बॉक्स में भी पैसे रखे हुए थे। अपडेट खबरों को देखने के लिए देखते रहें खबर 365 न्यूज, साथ ही लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।